नमस्कार दोस्तों, टेक सुविधा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंटेल के लेटेस्ट जनरेशन कॉफी लेक सीरीज के प्रोसेसर्स पे 1,00,000 रुपए की गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे, जो कि कम से कम आने वाले 2 सालों तक 1080p मैक्स सेटिंग्स पे 60+ FPS तो निकाल ही लेगा और वहीं प्रोडक्टिविटी के काम भी बड़े आराम से कर सकता है। और दोस्तों मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये वर्चुअल पीसी बिल्ड है, यानी कि मैं सिर्फ पीसी के पार्ट्स को रेकमेंड ही करूंगा, सिंस मैं इन सभी पार्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। और अगर मैंने गलती से भी रियल पीसी बिल्ड करने की सोची भी तो मुझे अपनी लेफ्ट किडनी सच में बेचनी पड़ सकती है। सभी पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलेगा और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस सिस्टम को राइजन के सिस्टम से भी कंपेयर करूंगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फोज भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर हो सके तो भाई लोग प्लीज सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए, उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही है। तो चलिए अब हम 1 किडनी की प्राइस वाली पीसी बिल्ड की शुरुआत करते हैं, आई मीन 1,00,000 रुपए वाली पीसी बिल्ड की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह हम प्रोसेसर के साथ ही शुरुआत करेंगे इस बिल्ड का भी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कोर i5 8600 की, जिसकी कीमत है 21,300 रुपीज। चलिए ये स्पेसिफिकेशंस को पहले चेकआउट कर लेते हैं, फिर बाद में हम उसे राइजन 1700 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेसर उसी को टक्कर देता है। तो इस सीपीयू में आपको 6 कोर 6 थ्रेड्स मिलेंगे, जो कि 50% परफॉर्मेंस जंप देती है इस प्रोसेसर को प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले, सिंस केबल एक i5 में सिर्फ 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स ही होते थे। i5 8600 के एक फुली अनलॉक प्रोसेसर है, तो इसे आप ओवरक्लॉक बड़े आराम के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रोसेसर के साथ कोई कूलर नहीं मिलेगा, कूलर आपको सेपरेटली खरीदना होगा। इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 3.6 GHz है, वहीं ये 4.3 GHz तक टर्बो बूस्ट हो सकती है। इस प्रोसेसर के अंदर 9MB लेवल 3 कैश मेमोरी है और इस प्रोसेसर की TDP 95 वॉट्स है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो ये प्रोसेसर एक्चुअली फास्टर है सिमिलरली प्राइस राइजन 1700 से, पर सिर्फ गेमिंग में, वो भी हाई FPS गेमिंग में। यानी कि अगर आप हाई सेटिंग्स पे कोई डिमांडिंग मॉडर्न गेम खेलते हैं तो आपको ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं दिखेगा। एक्चुअली राइजन 1700 थोड़ा एक्सपेंसिव है i5 8600 से, लेकिन वो राइजस्पायर RGB कूलर के साथ आता है और आपको i5 8600 के प्रोसेसर में अलग से कूलर लेना पड़ता है। तो बात वही आती है कि दोनों ही प्रोसेसर की प्राइसिंग सेम है। प्रोडक्टिविटी के काम करते वक्त राइजन 1700 एक्चुअली फास्टर है i5 8600K के मुकाबले। तो दोनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं, ओवरक्लॉकेबल हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इन दोनों में से कोई भी बैड चॉइस नहीं है। अगर आप AMD के फैन है तो राइजन 1700 लीजिए और अगर आप इंटेल के फैन है तो i5 8600 के। अब आगे बढ़ते हैं मदरबोर्ड पे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे Asus Prime Z370P, जिसकी कीमत है 12,500 रुपीज, क्योंकि हम जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो हाई एंड है और ओवरक्लॉकेबल भी है। तो यहाँ पे Z370 मदरबोर्ड बिल्कुल जस्टिफाइड है। और वैसे भी CPU, GPU और मदरबोर्ड में जितना ज्यादा पैसा खर्च करो उतना ज्यादा कम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वर सीरीज के मदरबोर्ड CPU और GPU बाय कर ले, क्योंकि वो बेवकूफी होगी। इस मदरबोर्ड में हर दूसरे Z370 मदरबोर्ड की तरह सभी आम फीचर्स है, पर एक्चुअली जो अपने प्रोसेसर को ज्यादा ओवरक्लॉक करना चाहते हैं वो Z370 के कोई हाई एंड मदरबोर्ड को बाय करें, जैसे कि Asus ROG या फिर Gigabyte Aorus etc, क्योंकि इनकी पावर डिलीवरी अच्छी होती है और थोड़ा बहुत ज्यादा फीचर्स भी मिल जाएंगे। पर आप इस मदरबोर्ड पे भी आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हैं इस प्रोसेसर को, कोई इश्यूज नहीं होंगी। अब आते हैं ग्राफिक्स कार्ड पर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे NVIDIA GTX 1070, जिसकी कीमत है 34,800 रुपीज। अब आप लोगों को मालूम ही होगा कि इसमें 8GB वीडियो मेमोरी है और काफी पावरफुल है, पर एक्चुअली ये ग्राफिक्स कार्ड कितना पावरफुल है और क्या ये फ्यूचर के डिमांडिंग गेम्स के सामने सर्वाइव कर पाएगा या अपने घुटने टेक देगा? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफिक्स कार्ड कम से कम आने वाले अगले 2 सालों तक सभी लेटेस्ट गेम्स को 1080p 60fps पे अच्छे से चला लेगा। अब जो लोग सोच रहे थे कि 1080p के लिए तो GTX 1060 6GB भी काफी है, तो भाई आप लोग गलत नहीं हो, लेकिन GTX 1060 फ्यूचर रेजिस्टेंट नहीं है, यानी कि इसका कोई भरोसा नहीं कि ये आने वाले गेम्स को 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे 60fps देगा ही। मोस्टली वैसे दे ही देना चाहिए, पर 100 बात की एक बात है कि अगर आपको करंट गेम्स को खेलना है 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे तो GTX 1060 काफी है, लेकिन अगर आप फ्यूचर गेम्स को 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स में खेलना चाहते हैं तो आपको GTX 1070 ही चाहिए। और वैसे ही GTX 1060 6GB की प्राइसिंग थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, तो GTX 1070 बेटर ऑप्शन है। और क्योंकि ये Zotac का GTX 1070 है, तो आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाती है Zotac के वेबसाइट पर रजिस्टर करने पर। अरे यार, हम ग्राफिक्स कार्ड पे तो बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने CPU कूलर की बात नहीं की, तो अब आते हैं CPU कूलर पे। यहाँ पर हम यूज करेंगे कूलर मास्टर हाइपर 212X, जो कि आपको पड़ेगी 2,850 रुपीज में। दोस्तों आपको याद ही होगा कूलर मास्टर 212 EVO, जो कि लेजेंडरी CPU कूलर था, आपने उसे बहुत सारे PC बिल्ड्स में देखा ही होगा। तो ये उसी कूलर का नया वाला भाई है, बस थोड़ा और ज्यादा बेटर है उसी प्राइस रेंज में। ये CPU कूलर कमाल का है, इसकी कूलिंग का जवाब नहीं और आप इसे किसी भी CPU पर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो AMD का हो या फिर इंटेल का। तो अब बारी आती है स्टोरेज डिवाइस की। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ अलग किया है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे PC बिल्ड्स में एक SSD और एक नॉर्मल सा हार्ड डिस्क यूज किया जाता है,
लेकिन हम उसे स्किप करके SSD लेंगे, यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। हाइब्रिड ड्राइव से ये खासियत होती है कि पहले तो ये हार्ड डिस्क से 5 times फास्टर होते, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते, एक नॉर्मल से हार्ड ड्राइव जितना स्टोरेज भी मिल जाता है और SSD के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। तो हम अपने स्टोरेज के लिए यूज करेंगे सीगेट फायरकुडा 2TB हाइब्रिड ड्राइव, जिसकी कीमत है 8,990 rupees। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हाइब्रिड ड्राइव फास्ट होते हैं, चीप होते हैं और काफी स्पेस भी मिल जाता है, तो आप सभी फाइल्स को इस हाइब्रिड ड्राइव में मजे से स्टोर कर सकते हैं और गेम्स की लोडिंग टाइम्स भी डिक्रीज हो जाएगी इस हाइब्रिड ड्राइव में इंस्टॉल करने पर। अब बात करते हैं रैम की, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्रूसर बैलिस्टिक 16GB 3000MHz मेमोरी, जो कि आपको 12,465 rupees में पड़ेगी। और मेमोरी के बारे में कुछ ज्यादा बोलने लायक है नहीं, तो अब अगले पीसी पार्ट पे आते हैं। अब आते हैं पावर सप्लाई या PSU या फिर SMPs, जो भी आप इसे बोलो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर एक ब्रांडेड और रिलायबल पावर सप्लाई लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ तो पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कूलर मास्टर MW650W पावर सप्लाई और ये आपको पड़ेगी 5,776 rupees में। सबसे पहली बात तो यह कि ये पावर सप्लाई 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, मतलब ये पावर सप्लाई हर सिनारियों में कम से कम 85% एनर्जी एफिशिएंट होगा। और क्वालिटी पे तो कोई शक ही नहीं कर सकता, क्योंकि पावर सप्लाई के मार्केट में कूलर मास्टर का बहुत बड़ा नाम है, और मेरे हिसाब से 650W काफी है इस पीसी बिल्ड के लिए, अगर ओवरक्लॉकिंग को कंसिडर किया जाए तो भी। आखिर में अब फाइनल पार्ट की बारी, जो कि कैबिनेट या फिर कंप्यूटर केस, जो भी बोलना है बोलो सब चलेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कूलर मास्टर मास्टर बॉक्स लाइट 5 RGB, जो कि आपको पड़ेगी 4,999 rupees में। सबसे पहली चीज की इस केस की कूलिंग अच्छी है, दूसरी चीज की इस केस के पैनल्स टेम्पर्ड ग्लास से बने हुए हैं, और तो और ऊपर से ये केस RGB फैंस के साथ आता है। ये सभी चीजें मिला जुला के इस कंप्यूटर केस को काफी अट्रैक्टिव डील बनाते हैं, और काफी स्पेस इस केस में है, बड़े से बड़ा ग्राफिक्स कार्ड भी आराम से फिट हो जाएगा इस केस में। तो इसी के साथ इस पीसी बिल्ड को खत्म करते हैं और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो ये पीसी सभी करेंट गेम्स को और आने वाले फ्यूचर गेम्स को भी 1080p हाई सेटिंग्स में 60fps चला लेगा, और ये पीसी ऐसा आने वाले 2 सालों तक तो आराम से कर सकता है। और रही बात इसके दुश्मन राइजन 7 1700 की, तो दोनों प्रोसेसर्स ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देते हैं, बस गेमिंग में i5 8600 के आगे है, तो रेंडरिंग एडिटिंग एक्सेट्रा प्रोडक्टिविटी वर्ड्स में राइजन 1700 लीड करता है। ओवरऑल दोनों ही अच्छे प्रोसेसर है, जो आपको पसंद है वो लीजिए। तो अगर आपको मजा आना तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके उसके बाजू वाले घंटे को हिला दो और आगे से सभी वीडियोस को पूरा एकदम एंड तक देखो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, कुछ वार्तालाप करना तो मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा अवेलेबल हूँ, और भाई लोग सोशल मीडिया पे भी प्लीज फॉलो करो। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन लिंक से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगी पर चैनल को हेल्प करेंगी। तो चलिए खत्म करते हैं।